हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत ट्रिंगल कोचिंग सेंटर। s.k.t.c.c में आपको जो यूट्यूब चैनल सर्च करना है उस लेटेस्ट सारे आपका एप्ट लिखेगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी आपका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9 की मैथ, तो आप लोग देखिएगा 9 की मैथ में आप कक्षा 9th क्लास की। आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली। कल मैंने जी खत्म की थी, तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.h। तो आप लोग 1.h देखिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको दिखाते हैं 1.h एक्सरसाइज जो आपको दी गई है। देखिए जी लिखी हुई है एक्सरसाइज, आपको दिखाते हैं। अगर बुक नहीं है आपके पास, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेय कारी गुणक लिखिए। देखिए परिमेय कारी गुणक क्या होता है, हमको सबसे सिंपल सा सिंपल जो अंडर रूट में वैल्यू लिखी होगी वही हमारा परिमेय कारी गुणक होता है। ये आपको समझना है, यही चीज अगर आप समझ गए तो सारे इसके गुणक आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाते हैं, लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। देखिए परिमेय हर बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग देखिएगा भी। क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्यादा ही नहीं टफ है, ना ही कोई परेशानी आपको मिलेगी। हाँ देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रफली वर्क बता देता हूँ। आप लोग देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पहला लिखा हुआ है अंडर रूट 15। देखिए अंडर रूट 15 है, इसका हमें परिमेय कारी गुणा लिखना है हमको। देखिए 15 के हम फैक्टर करेंगे, 3 × 3 तब भी 5 ही रहेगा, दोनों रूट पे ही है, हमें क्या सिंगल वैल्यू में, इस वजह से रूट 15 का परिमेय कारी गुण हमारा सरलतम परिमेय कारी गुणक क्या हो जाएगा, हमारा लिखेंगे परिमेय कारी जो हमारा गुणक होगा वो क्या रूट 15 ही होगा हमारा। ठीक जी, हमारा पहला था। अब दूसरा देखिए लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ 8 की 3 लिखा हुआ है 8√3। देखिए 8√3 लिखा हुआ है, इसमें आपका आंसर कुछ और था, मैंने बुक से देखा था, लेकिन इसमें आंसर वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या कि अगर हम इसकी पावर अलग भी करेंगे तब भी हमारा परिमेय कारी गुणक क्या अलग नहीं होगा, तो इस वजह से इसका भी हमारा 8√3 ही होगा। देखिए लिखा हुआ है क्या 3√16। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 4 × 8। अब देखिए 3 2 हैं, हमारा क्यूब लगा है जिससे हमारा 2 आ जाएगा और 3√2। अब देखिए इसमें गुणांक में जो वैल्यू है जो परिमेय संख्या है इसको छोड़ देंगे और इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो 3√16 का जो परिमेयकारी जो गुणक होगा हमारा, गुणक होगा क्या आएगा 3√2 आएगा। ऐसे आपको सवाल करना है, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं, आगे जी हमारा क्या था 3 नंबर था, जी देखते हैं अब 4 नंबर। 4 नंबर में आपको क्या करना है, लिखा हुआ है 48। 48 के अब हमको इसके फैक्टर करना है, 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है, सॉरी 2 आएगा 16 × 16 × 3 थे हमारे 48 हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारे इससे इन दो दो जोड़ों से हमारा बाहर आ जाएगा कितना, 2 × 2√3, ये आ जाएंगे 2 × 2 = 4√3। अब देखिए रूट थ्री आ गया तो इसको हम यही हमारा क्या रहेगा 48 का परिमेयकारी जो हमारा क्या गुणक होगा वो क्या होगा हमारा 3√3 होगा। ऐसे आपको परिमेय कारी गुणक निकालना है। अब देखिए हम कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही देखो मैंने 4 तक बताए हैं, 5 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं सोल्यूशन में, देखिएगा। अब देखिए 5 नंबर सवाल जो लिखा हुआ है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, देखिए ये 5 है 32, तो इससे हमारे वैल्यू निकाल लीजिए, भी आ गया। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन आपको लिखे हैं जो आपको होमवर्क में करना है, क्या करना है होमवर्क में करना है, और इसके आंसर आपको कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो जी आपका हो गया परिमेय कारी गुणक, आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आ गया। तो अब आपको दिखाते हैं दूसरा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। अब देखिए परिमेय हर बनाना है, क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया है, परिमेय हर बनाकर लिखना है,
तो क्या करना है, अब देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। अब देखिए परिमेय हर बनाना है तो क्या करना है, इस रूट फाइव को हमें हर से हटाना है। तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2/√5 है, इसमें अंश और हर में हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉरी अंश व हर में √5 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब जब गुणा कर देंगे तो ज्यादा जाएगा 2√5 गुणा √5/√5 आ जाएगा आंसर। अब देखिए जब ये आंसर आ गया, अभी आंसर तो आया नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दिस एम्पलायर डॉट का साइन लगा लिया, जे 2√5 आ जाएगा। अब देखिए √5 क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो 2/√5 का हमारा परिमेय हर जो हो जाएगा 2√5/5 आ जाएगा, ठीक है। तो जी हमारा हो गया पहला आंसर। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, आपको दिखाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है। हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, लिखना है 6/√3। अब देखिए इसको भी आपको करना है, तो इसमें भी लिखेंगे अंश व हर में क्या √3 से गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे तो आप देखिए फिर गुणा करेंगे तो ज्यादा आएंगे 6/√3 बराबर आ जाएगा 6 × √3, और ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 का तो ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा हमारा 6√3, और √3 हो जाएंगे 3, और जो 3 दूना हो जाएंगे 6, तो आंसर में आ जाएगा 6√3 = 2√3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और बॉक्स के अंदर ऐसे बंद करना है आपको, तो अच्छे से देखिएगा और लगाइएगा भी। अब देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है इसी में, √3/√8। अब देखिए इसमें दोनों तरफ रूट दिया है, अब आप लोग सोचेंगे किसको क्या करेंगे, हमको उसने क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि सिर्फ हर पर में हर बनाना है, हर को बनाना ना कि अंश को बनाना है, तो इस वजह से हम किसको करेंगे, √8 को हटाएंगे, तो गुणा किसका करेंगे, अंश व हर में √8 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देंगे तो ज्यादा आएगा √3/√8 बराबर √3/√8 में √8/√8 का गुणा कर देंगे तो ये आंसर अंदर बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, √3 × √8/8 हो जाएगा 8, और 2 रूट लगे इनटू में तो हम रूट सेम कर लेंगे, 1 कर लेंगे और 8 हो जाएंगे हमारे 24/8। तो अब देखते हैं यहाँ 24 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6 × 24, तो हमारा ये जाएंगे √2√6/8, ये कट जाएंगे तो आंसर में आ जाएगा हमारा √6/4। समझ पा रहे हो आप लोग, √6/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है, दूसरा तीसरा मैंने बता दिया, अब आपको लगाना है इसका क्वेश्चन, कई नंबर क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है, क्वेश्चन आप बताते हैं इसी का हम 3rd 4th नंबर बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए, हमारा काम बताना है, आपका काम समझना है, जब तक समझ में ना आए तब तक बताइएगा, हम आपको बताते रहेंगे। अब देखिए 4 नंबर सवाल जो लिखा हुआ है इसी का, लिखा हुआ है 13/√3। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप हमको बताइए किस चीज का हम गुणा करें कि जो अंश और हर हमारा बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 3√3 लिखा हुआ है, अब देखिए हमारा क्यूब से बाहर निकालना है तो इसको कर सकते हैं, हम गुणा करेंगे अंश व हर में। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, अब देखिए सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब देखिए लिखा हुआ है इसको 3√3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो जा जाएंगे 3√3
नाइन, ठीक है। अब नाइन का मतलब हो जाएगा हमारा, इसका हमें गुणा करेंगे तब 9 त्रिक हो जाएंगे हमारे 27, और 27 से हमारा 3 घन लगा तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो लेकिन अंश बाहर में 3√9 का गुणा करने पर, ठीक है, तो हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो लिखेंगे 13/3√3 बराबर आ जाएंगे 13/3√3 गुणा 3³/9। तो अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो 13 जी आ जाएंगे क्यूब, 9/ आ जाएगा हमारा क्यूब, 9³ 27, 27 से हमारा 12 आ जाएगा 13 घन क्यूब 3/9/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 13/3√3 बराबर आ जाएंगे 13.3√9/3, ये हमारा आंसर। तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसके हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन, 5वां और 6 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जी आप लोगों को स्वयं लगाना है। 5 नंबर हो गया और जी आपका हो गया 6 नंबर सवाल, तो जी आप लोग को लगाना है, लगाने के बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, जी आपका क्या होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगाना है। अब देखते हैं इसी के आगे 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है √2 का मान दिया है 1.414, √3 का दिया है 1.732, √5 का दिया 2.236, √10 का दिया 3.162, √7 का दिया 2.646। तो आप लोग ऐसा सवाल दिया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/√5, तो इसको आपको लगाना है। 1/√5 को आप कैसे लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे, ये आपको सोचना है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है 1/√5। देखिए √5 को अब हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मान रख देंगे अगर हम इसका, तो हमारा भाग देना बहुत ही जटिल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 1/√5 में √5 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे √5 का अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दिया तो जी आ जाएगा हमारा क्या √5/5, ठीक है। अब देखिए √5 का अब मान रख देंगे 2.236/5। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पे हमारा दशमलव लगा लेंगे, ऐसे 5 चौको हो जाएंगे 20, और बचेगा हमारे 2 तो हो जाएंगे 30, फिर 5 चौको 20 बचेंगे 3 हो जाएंगे 36, फिर आ जाएंगे 5 7 35 बचेगा 1, फिर 5 2 10, ये हमारा आ जाएगा 1/√5 का मान। दशमलव के हमें 3 स्थानों तक देना था, हमने दे दिया 4, तो आप लोग लिख लीजिएगा 1/√5 बराबर 0.447, ठीक है जी। अगर भाग नहीं समझ में आया है तो हम आपको भाग बता दे रहे हैं, इधर ऐसे इसका भाग करना है कैसे, 2.236 दशमलव हमने यहाँ से हटा के कहाँ लगा लिया, 0 पॉइंट यहाँ लगा लिया। अब 2 डिजिट पे भाग देंगे, 5 चौक हो जाएंगे 20, तो घटा देंगे बचेंगे 2, तो फिर दस उतारा ले लेंगे, हम कैरी ले लेंगे 23, तो फिर 5 बार जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएंगे 3, फिर 6 ले लिया तो हो जाएंगे 5 7 हमारा कितना 35, और हमारा 1 बचेगा, लेकिन हमें 3 स्थान तक ही देना भाग, इस वजह से 3 के बाद हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है जी। हमने डायरेक्ट दिया जी, आपको यहाँ बेसिक बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसी में लिखते हैं, दिखाते भी हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन √15/√6। अब इसको सॉल्व करना है, अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे क्या अंश व हर में हम गुणा कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। देखिए इसको हम करनी एक सी बना लेंगे 15/6, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं 3/5 हो जाएंगे 15, 3 × 6 जा जाएंगे 5/2। अब 5/2 है, तो अब देखिए 2 का हम यहीं पे अगर अंदर ऊपर नीचे
गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा रूट 5 × 10 बटे रूट 4, 4 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, ये करनी है ऊपर 10 बच जाएगी और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान रख लेंगे, मान रखेंगे 10 का मान, देखो यहाँ पे सवाल में आपको दिया हुआ है ये मान 3.162, यहाँ रखेंगे 3.162 बटे, तो अब देखिए 3 का भाग 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, दशमलव लगा लेंगे। अब बचेंगे हमारे पास 1 11, तो 2 5 10, फिर बचेगा 6, तो बचेंगे 16, 2 8 16, फिर बचेंगे 2 12, तो 2 6 12, तो ये हमारा रूट 15/√6 का आंसर हमारा 1.586 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 2 एकम 2 ही आएगा, 16 नहीं होंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग ऐसे ही सवाल लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अब आपको बताएंगे हम कौन सा, 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग 3 नंबर भी देखिएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 − √2/√5 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब इसको भी सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। लिखा हुआ है रूट फाइव को, देखो हम हटाने की कोशिश करेंगे तो रूट फाइव को हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, वही अपना फंडा है। क्या करना है, अंश व हर में रूट फाइव से गुणा करने पर, गुणा करने पर जब गुणा कर देंगे तो जी आ जाएंगे 2 − √2/√5 × √5/√5। अब देखिए 5 से 5 हमारा 5 बचेगा, जी आ जाएगा 2√5 − √2/√5। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो जी आ जाएंगे 2√5 माइनस ये हो जाएगा 10, अब बचे में 5। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हमें मान रखना पड़ेंगे, मान हमको दिए थे वही वाले मान रखेंगे, 2 × √5 का मान उन्होंने यहाँ पे दिया है 2.236 माइनस √10 का मान दिया है 3.162 बटे में 5। अब देखिए इसको जब सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 6 हो जाएंगे 12 और 2 3 6 और 1 7, 2 2 4, 2 2 4 माइनस 3.162 बटे 5। तो अब देखिए इसको घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएंगे 0, 7 में 6 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएंगे 3, 3 में से 4 में से 3 जाएगा 1/5। अब इसका जब भाग देंगे, भाग देने पे देखो जैसे हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 0.3 लगा लेंगे, हो जाएंगे 13, 5 × 10 बचेंगे 2, हो जाएंगे 5 × 10 बचेंगे 3, हो जाएंगे 31, तो 5 × 6 = 30 हो जाएंगे 10, तो 5 × 10, तो जी हमारा आंसर है क्या रहेगा, 2 − √2/√5 बराबर 0.262, जे 3 स्थान तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं, आपको 4 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, समझ में आएगा तब भी, नहीं आएगा तब भी। और देखिए इसी का 5 नंबर क्वेश्चन, 4 − √5/√10। अब इसी का लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसी का क्वेश्चन है एक और 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर है वो भी आपको क्वेश्चन लगाना है, √7 + √7 − 1। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हुए हैं, ये आपको करना है और ये आपको आंसर इनके बताना है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा और आप लोग अपने YouTube चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने पर तुरंत मिल जाएगी और आप वहां से उसको एंजॉय कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए दोस्त, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।